और जी जो बंदे स्पोर्ट्स का शौक रखते हैं तो इधर स्पोर्ट वाला सामान है, ये बेसबॉल पूरी बॉल के साथ में $10 का, इंडिया में इतना सस्ता नहीं मिलता। ये तो ये खाली डंडा ही बहुत महंगा आता है जो मारने पीटने के लिए लड़के रहते हैं तो वो इससे ज़्यादा महंगा आते हैं, तो पूरी बॉल के साथ दे रहे। ये बॉल्स वगैरह $20 में फुटबॉल्स हैं। ये कुछ और नमूने बना रखे उन्होंने $5 के। तो भाई लोग इधर कैंची कुंची सब अवेलेबल है, कोई चक्कर नहीं है, ले और काटें चीज़ें चूज़ें जो भी काटने वाली, कोई इश्यू है नहीं है। ये डॉल्स है $32-35 की। ये जी बेबी सेक्शन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका, ये जो बच्चों के लिए सीट आती है आपको गाड़ी में लगाने वाली, ये $119 की है। इसको लगा के आपको बच्चों को बैठालना है ये अपनी गाड़ी में, ये $89 की है। क्वालिटी के हिसाब से है चीज़ें। तो जी अगर अपन लोग कुछ इसमें लेने हैं तो यही है इनके पास ऑप्शन, और कोई ऑप्शन है नहीं। तो मेरे हिसाब से जी मेरे को तो कोई पसंद नहीं है, क्योंकि कुछ इसमें लड़कियों के मिक्स है, कुछ इसमें लड़कों के मिक्स है, बात नहीं है जी, कहीं और जगह ट्राई करेंगे। तो बहनें जो भी लड़कियां हैं वो देख लें, मेरे को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, बस आप रेट देख लें और चीज़ देख लें क्या है, मैं बस आपको दिखा सकता हूँ कौन सी क्या चीज़ है और कितने का क्या प्राइस है, और मेरे को ये नहीं पता किस चीज़ के लिए यूज़ होती है। ये तो शायद लड़के और लड़कियों के लिए दोनों के लिए यूज़ हो सकती है, ये ऑर्गेनिक केयर वाली निविया की है, ये तो यूज़ हो जाएगी। ये और ये और ये शायद हेयर कलर वगैरह है कुछ, ऑयल पावर्ड लाइटनिंग, हाँ जी हेयर के लिए ही है ये। तो ये है क्या जी, ये नहीं अब मेरे को पता, ये गार्नियर का हेयर कलर है ये, तो गार्नियर का तो कलर ही है जी। ये $11-12 की चीज़ें इतने में ईजिली मिल जाती है। और ये शेविंग क्रीम है, ये शेविंग क्रीम ही है जिलेट की, और ये निविया, ये मैनुअल आ गया इधर सेक्शन, ये आदमियों के लिए सब सिस्टम, बंदों का सिस्टम है जो भी इधर सब, ये शेविंग शेविंग के लिए रखी है मशीनें, तो ये शेविंग क्रीम ही होगी जिलेट की। और ये नीचे और ये लड़कियों के शायद आई लाइनर वगैरह जो होते हैं वो हैं, $3-3 के हैं, $5-7-7 की चीज़ें हैं ये। और ये कुछ कलर्स वगैरह पता नहीं किस, ये फ्लैश, ये पता नहीं जी क्या है, सॉरी इसके लिए आप देख लें और पता कर लें इसके बारे में, बाकी लड़कियों को तो पता ही होगा क्या है ये। चश्मे नहीं मिलने इस लड़के को, चश्मे नहीं मिलेंगे 100% श्योरिटी है, लड़के बेटे तेरे को चश्मे नहीं मिलने धक्के का। ये जी सनक्रीम से सनस्क्रीम जो होती है $12-9 वगैरह में लगी हुई है। और ये हेयर ट्रीटमेंट के लिए विटामिन सी वगैरह कुछ है इसमें जुड़ा हुआ है $3 का। इधर सनसिल्क ब्रांड की भी चीज़ें आती हैं, तो जो नहाने के बाद जनता पहनती है बड़े बड़े, ये $25 के, ये ऊपर से लेके नीचे तक जो ढक देता है आपने देखा होगा मूवीज़ में, ये $25-25 के, मेरे को तो नहीं लगता इनका कोई फ़ायदा है अपन लोगों को। मेंस वाला है, मेंस वाला है तो $10 में टी शर्ट्स, हुडीज $18-18 में, ये वाली ये अच्छी है हुडी है, अच्छी लगती है थोड़ी बहुत, ट्राई करेंगे कभी जब पैसा आएगा। तो भाई लोग आ गए केमार से बाहर, तो वहाँ भी कुछ दिखा नहीं अपन लोगों को, ना अपने काम की कोई चीज़ थी वहाँ पे। तो जी अब जा रहे हैं सेटलमेंट सिटी, तो
चश्मे तो आज लेने लेने हैं। चश्मे तो आज ट्राई करेंगे जी, लेके ही जाएंगे, लेकिन महंगे नहीं लेंगे क्योंकि अपने पास पैसे नहीं है जी। सस्ते देखेंगे, सस्ती सस्ती चीज़ देखनी है अपने लोगों ने, तो वो लेके। और यहाँ तो कुछ दिखा नहीं मेरे को कॉस्मेटिक्स वाला, जो लड़कियाँ लड़कियों के लिए होगा जो भी, ना तो ज़्यादा कुछ है। ऑलरेडी मैं दिखा ही चुका हूँ। आज चलते हैं जी बिग डब्ल्यू में, वहाँ दिखाते हैं जी आपको कुछ है कि नहीं है। तो जी आए रियल ब्रांड्स के, तो इनके यहाँ सब चश्मे हैं बहुत, लेकिन सब लड़कियों के लिए, अपन लोगों के लिए कुछ नहीं। पोतने वाले होते हैं, यानी कि जो फेशियल वगैरह जो करती हैं उसके बाद जो भी होता होगा। ये तो नील पेंट्स है, ये और भी कलर है, ये आई लाइनर वगैरह है इनके। इनके पास काफ़ी कुछ है, उन्होंने नील पेंट्स से लेके ए टू जेड सामान इन लोगों ने रखा हुआ है। रिवर्स ब्रांड तो इनके यहाँ हैं, तो ये लड़कियों के कपड़े क्लॉथ्स हैं जो लड़कियों के हैं। ये 50% ऑफ चल रहा है इन पर, लेकिन रेट रूट तो इन्होंने लिखे नहीं करने। ये 54 डॉलर के हैं, ये 50 डॉलर की हैं, तो 50% ऑफ करके 25 की। ये बेवकूफ़ बनाने वाले काम है जिनके, होता कुछ नहीं है, रेट बढ़ा के ऑफ कर देते हैं लोग। बड़ी स्कीमें चलती है जनता। ये जीन्स जूनस हैं उनके, उनके तो इधर भी हैं, लेकिन लड़कों की कौन सी है वो देखते हैं अभी, है भी कोई कि नहीं अभी। कैसा लगता है आपका भाई ये टांग के? ये बड़ी है, शक्ल पे बड़ी लगती है अपनी, ये बड़ी है, छोटी ये थोड़ी। तो ये बताओ भाई लोग ये कैसी है, पता नहीं कौन सी अच्छी है। मैं स्टोरी भी डालूँगा कि कौन सी अच्छी है, तो बता देना जी कौन सी अच्छी, फिर वही ले लेंगे। तो जी स्टोरी डाल दी है, अब देखो आप लोग क्या बताते हो, तो उसी हिसाब से चश्मा ले लिया जाएगा। इधर लड़कियों के सैंडल वगैरह, ये 1400 डॉलर के हैं, चप्पलें चुपलें तो काफ़ी प्यारी चप्पलें चुपलें हैं, जूते वगैरह जो भी हैं सब कुछ इजीली मिल गया। तो भाई लोग स्टोरी डाल दी है, तो अब जब तक आप लोग रिप्लाई वगैरह करोगे देख लेते हैं जी कौन सी सही है, जो सही होगी वही चेक कर लेंगे। बाकी सेटलमेंट सिटी में जाते हैं, यहाँ तो 24-24 की है, तो 25-25 की डिस्काउंट डाल के 13-15 तक की पड़ जानी है, 50% ऑफ है। तो देखते हैं, रिप्लाई करो फिर देखते हैं। तो जी आपको ना लड़के और लड़कियों, आपको दिखा दिया है बहुत कुछ मैंने कि कौन सा सिस्टम कितने का है। ग्रॉसरी ग्रूसरी तो ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, तो आज दिखा दिया जी आपके कॉस्मेटिक्स वगैरह जो भी, आपके आईलाइनर वगैरह ए टू जेड। तो अब अपन लोग कुछ नहीं बचा दिखाने के लिए, तो अब अपन लोग ढूंढेंगे चश्मा। मैंने स्टोरी डाली है, तो देखो क्या रिप्लाई आता है, बाकी और भी ढूंढेंगे। और मैंने वीडियो पोस्ट करनी है, तो ये टेस्टर का स्टोर तो यहीं इनके पास बैठ के कर देंगे जी, क्योंकि इनका वाईफाई कनेक्ट है जी मेरे फ़ोन से। तो ये जी ऑस्ट्रेलिया पोस्ट, यहाँ भी जाते हैं, इनके यहाँ भी सस्ते हैं चश्मे, देख लेते हैं कि नहीं है। तो जी इनके पास भी सब लड़कियों के हैं, लेकिन हैं बड़े सस्ते सस्ते, सब अवेलेबल हैं चीज़ें लड़कियों के लिए, जो भी चश्मे चश्मे हैं जितने भी। भाई लोग बिग डब्ल्यू के पास तो हैं चश्मे, लेकिन 29-29 डॉलर के, इतना पैसा नहीं लगाने वाले ना अपन लोग को चीज़ सस्ते में, देखते हैं ढूंढनी चाहिए चीज़ें अगर सस्ते में मिल जाए तो। ये है 8-8 डॉलर में, यही सही है जी 8-8 डॉलर में, यही देखते हैं। हाँ जी भाई, तो अब आपका भाई हो गया है चश्मे वाला ब्लॉगर, क्योंकि ले ली है ठीक है, और आपके कहने पे ली है ब्लैक वाली, बाकी तो ब्लू वाली भी ठीक थी, मेरे को पसंद थी, लेकिन मैंने सोचा कि भाई लोग
इतने लोग कह रहे थे तो ये वाली ले दी है। एक प्रॉब्लम ये थी कि डार्क सर्कल बहुत थे, तो काफ़ी लोगों को दिक्कत आती थी कि भाई, काफ़ी लोग मेरे को ये भी कहते थे कि तेरी आँखों में नींद रहती है, तो जी अब नहीं पता चलेगा कि कितनी नींद है, क्या मसला है। जी और बता दें जी, एक अंकल हैं तो वो शायद पाकिस्तान से हैं, वो कमेंट मेरे को करते हैं, तो उन्होंने भी मेरे को, कल मैंने उनके शायद कमेंट पढ़ा था कि बेटा तेरी आँखों में मतलब आंसू रहते हैं, तो वो रीज़न क्या है। तो अंकल मैं रीज़न आपको बता दूँ कि नींद नहीं पूरे होने की वजह से वो आँखें गीली गीली से रहती हैं, वैसे आंसू वाला तो कोई काम नहीं है, तो आवासियाँ आती रहती हैं अंकल, तो इसलिए ये। तो थैंक यू जी, आप व्लॉग देखते हो, बाकी जी अब नहीं आपको दिखाई देंगे मेरे टीयर्स, अब ठीक है काम। और एक चीज़ और बतानी है जी, अपनी शक्ल है ये, ठीक है, ये सब पचका हुआ है काम, और इतना जचती नहीं है ये चश्मे चश्मे अपन लोगों की शक्ल पे, फिर भी जी लगा लेते हैं जी आप लोगों की फरमाइश ही, फूका है पैसे $15 लगा लिए हैं, ठीक है चल रहा है। बाकी और भी थी काफ़ी महंगी महंगी थी, तो महंगी वाला चक्कर नहीं है, चक्कर वो भी है कि महंगी है, लेकिन शक्ल वाला भी चक्कर है, तो हमें चाहिए थी छोटे साइज़ वाली, ये थोड़ी सबसे छोटे साइज में ये मिली है, तो ये सही लग भी रही है थोड़ी। बाकी अगर बात करें कि वो जो दूसरी थी, मैंने ऑलरेडी शायद मैं वीडियो में डालूंगा वो भी, तो काफ़ी बड़ी थी, वो नहीं मैंने चूज़ करी, ये चूज़ कर ली है। तो ये है जी व्यू, इधर बोट वगैरह होती है जी, जिसको अपन लोग बंदरगाह कहते हैं, यानी कि समुंदरी जो किश्तियाँ, इनका अड्डा है ये इधर, ये कभी मैं पहले नहीं इधर आया हूँ, तो आज पहली बार आया हूँ उस साइड में। बाकी जी फ़ोन की बैटरी हो गई है लो, तो जब तक वीडियो शूट हो रही है, बाकी फिर घर जाके कर लेंगे एंड इसका। बाकी आज जो नए सब्सक्राइबर्स आए हैं मेरे चैनल पे, तो अभी एक महीने में काफ़ी लोग आए हैं, तो एक महीने से कुछ ज़्यादा घूमे नहीं हैं, तो आज दिखा देते हैं जी उधर समुंदर साइड में भी, बाकी आप लोगों ने देख ही लिया होगा, एक बार फिर दिखा देते हैं। तो जी आ गए इधर, देख लें आप, पता नहीं प्राइवेट है ये, बोट ओनर और क्रू ओनली जा सकते हैं जिस इस पॉइंट के इधर, अब इन लोगों को परमिशन नहीं है, बाद में ऐसा ना उठा के टांग दें, तो जाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो इधर से जी किश्तियाँ कुश्तियाँ उतरती हैं नीचे, इधर से इधर को जाती हैं, बस समुंदर में पड़ जाती हैं, आगे फिर समुंदर है उधर, वो भी दिखाते हैं आज चल के। तो आप देख लें छप्पर छप्पर डाल रखे इन्होंने भी यहाँ भी, इंजॉय करते हैं, तो इधर से ही निकल लेते हैं। तो जी इधर है समुंदर, ये बीच नहीं है, रात में इधर नहीं आए थे, रात में गए थे बहुत आगे, वो उधर जो पॉइंट है ना साइड बीच से, वहाँ उसके भी आगे बीच से, अभी इधर आए, पता नहीं आवाज़ आपको आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो है मसला हवा का। नीचे जाने को जा सकते हो, आपकी इच्छा है जाना चाहें तो आप जाए। मेरी इच्छा नहीं है जाने की, ये इधर मिट्टी भी कटी हुई है, जब ज़्यादा लहरें लहरें आती हैं जैसे देखो, ये ऐसा पूरा कोट मकारी खा जाएगी, ये समुद्र खा जाएगा, मिट्टी निकली हुई है इधर से। ये भाई लोग बोट खींचने वाले हैं, इधर से बोट खींचेंगे ये लोग, ये अपनी गाड़ी के पीछे डाल के, इसीलिए ये लोगों ने हुक लगवाई होती है, अब ये चलती जाएगी पीछे पीछे, ये टायर भी आप देख लें बोट के, तो पानी में भी चलती है, रोड पे भी चलती है। और ये लोग चिल कर रहे हैं इधर बैठ के, अपन लोग भी इधर जाके बैठते हैं, अभी देखते हैं, फ़ोन अपने की बैटरी है डाउन, क्या किया जाए, देखते हैं, दूसरा फ़ोन भी पॉकेट में, उससे भी कुछ ना कुछ शूट करेंगे फिर, और क्या। ये ही समुंदर बहुत ही करीब, समुंदर इधर भी समुंदर, इधर भी समुंदर, इधर भी समुंदर, और बीच में आपका भाई, ये देखो जी अब ये ले जा रहा है, ये ले गए, गाड़ी भी दमदार होनी चाहिए अपनी, जो स्विफ्ट वगैरह वो तो सीधी खींच के आ जानी पीछे, गाड़ी अच्छी होनी चाहिए। ये जी इधर ग्राउंड बच्चों के खेलने के लिए, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं जी इधर, आप देखें जी भाई लोग आ गए हैं घर, तो अब वीडियो को एंड करना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो भी दो पार्ट में बनी है, क्योंकि काफ़ी लंबी होती है, मेरे को अपलोड करने में दिक्कत होती है, क्योंकि मेरे पास इतना डेटा नहीं होता है, तो मेरे को कहीं भी वाईफाई मिलता है मैं वहीं से अपलोड कर देता हूँ,
अभी यूनी जाना है तो वहाँ अपलोड कर लेंगे आराम से। तो अभी क्लास जाने का टाइम हो रहा है तो जाएंगे। ये चश्मे जी आपने ऑलरेडी देख लिए। बाय बाय।